सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल जो पटेल और जिन्ना को लेकर के हरदोई में बयान दिया, उस पर सियासत बहुत आगे बढ़ चली है। दरअसल उन्होंने भी बहुत सोच समझ करके ये बयान दिया था, क्योंकि पता है कि बीजेपी अपने तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। लिहाजा उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के एकीकरण के पुरोधा, उनकी तुलना जो है कर दी जिन्ना से। पटेल जी जहाँ जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम सुने जाने जाते हैं, लोह पुरुष के नाम सुने जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की, वो बैरिस्टर बनी। उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो किसी नहीं, एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग को सदा अपने जीवन उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। और ये कहा कि जिस संस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी सब एक ही संस्थान में पढ़े थे और देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने संघर्ष किया था, तुलना उन्होंने बहुत सोच समझ करके किया। इसके बाद तो हंगामा मचना ही था। फिर उन्होंने आगे बोले कि जिस विचारधारा पे उन्होंने, पटेल ने गृहमंत्री रहते हुए प्रतिबंध लगाया था, नाम नहीं लिया RSS का, लेकिन उनका वार RSS पर था। लिहाजा अब बारी बीजेपी की थी, लिहाजा एक एक करके नेताओं ने वार किया। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जीत के बाद फिर तो एक दो फुलझड़ी छूटी होगी। प्रतिक्रिया संकेत समझिए, जिस तरीके से T20 में पाकिस्तान की जीत के बाद अलग अलग कोनों में खुशियाँ मनाई गई, वो कटाक्ष अखिलेश यादव की तरफ कर रहे हैं। फिर केशव प्रसाद मौर्य भी आए, सुनिए उन्होंने अखिलेश यादव पे क्या निशाना साधा। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है, उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टिकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता, उस भाषा में समझाने का काम करेगी। और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। समाजवादी पार्टी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश अली जिन्ना उनका कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है, उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। और उसके बाद बारी सीएम योगी की थी। सीएम योगी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चल रहा है और ये कमेंट तालिबानी सोच दर्शाता है। यानी कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं सबने ये साबित करने की कोशिश की है कि तुम किधर झुके हुए हो अखिलेश यादव। वो उसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ध्रुवीकरण हो। तो बीजेपी भी अपना काम कर रही है और अखिलेश यादव भी अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बहुत दिनों बाद ऐसा बयान दिया है। वो फिलहाल लगे हुए हैं BSP से और जिस भाजपा से जो टूट करके विधायक आ रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ने में। साथ में उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि चुनाव लड़ाएंगे और अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं वो प्रचार करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। हर राजनीतिक दल का ये काम होता है, लेकिन
जो बयान दिया जा रहा है वो उस दिशा में ही है, क्योंकि अखिलेश यादव को एक बात समझ में आ रही है कि विकास की बात करेंगे कहते कहते थक जाएंगे कि समाजवादी की सरकार ने जो है इस परियोजना का, इस एक्सप्रेसवे का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी और बीजेपी उस पर अपना नाम पट्टिका लगा रही है, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। सुनेगा कैसे? जाति और धर्म से। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहाँ जाति और धर्म के नाम पर ही वोट पड़ता है। बेशक पूरे चुनाव दूसरी बात होते रहे, लेकिन मतदान केंद्र तक जाते जाते ध्रुवीकरण होने लगता है। वही चाल उन्होंने पहले चल दिया। अभी 4 महीने चुनाव में है, देखते रहिए कौन पार्टी कैसे सियासी तीर चलाती है, क्योंकि सियासत की तासीर ही ऐसी है, इस देश में विकास की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है, और होती है तो सिर्फ दिखावे के लिए, असल में जा करके तो चुनाव होता है जाति और धर्म पे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।